स्टूडेंट आई एम योर टीचर मीना टुडे आई विल टीच द ज्योग्राफी सेवन चैप्टर ओके द चैप्टर नेम इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ओके स्टूडेंट आपने देखा होगा आप जब गांव में जाते हो आपके okay, दादा दादी किस एनवायरनमेंट में रहते हैं और आप लोग कहाँ रहते हो शहर में ठीक है ये जो चेंजेस आए आप ट्रांसपोर्ट में चेंजेस आए कम्युनिकेशंस में चेंजेस आए हाउस सेटलमेंट में चेंजेस आए कैसे आए इसके बारे में आज इस चैप्टर के बारे में हम रीड करेंगे ओके okay?

एरिया ओके द प्लेस वे आर ए बिल्डिंग और ए सेटलमेंट डेवलप इस कॉल द साइट ओके स्टूडेंट जहाँ पे हम रहते हैं सर्वाइव करते हैं उस वर्ड को स्पेशली क्या बोला गया है साइट ओके द नेचुरल कंडीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन आइडल साइट आप देखो हमें रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए आपके माइंड में सीधा फूड आया होगा फूड वाटर लैंड एंड एन ए ठीक है तो नेचुरल एलिमेंट्स में क्या इंक्लूड होगा फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन कि वहाँ पर क्लाइमेट अच्छा हो ज़्यादा गर्म ना हो हॉट ना हो ये ज्यादा कोल्ड ना हो एवरेज क्लाइमेट uh, हो अवेबिलिटी ऑफ वाटर हो एंड सुटेबल लैंड हो एंड फर्टाइल सॉयल हो और फर्टाइल सॉयल किस लिए चाहिए कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेट बी स्टार्ट वर्ड टू वर्ड ऑफ दिस चैप्टर इन द चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्न अर्ली एंड ह्यूमन मीग डिपेंड अपॉन एंटायरली ऑन द नेचर ऑफ फूड क्लॉथिंग एंड द शेल्टर ओके आपको पता है ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए मेन इम्पॉर्टेंट क्या है मेन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग बट दे टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स एंड न्यू ग्रो फूड्स बिल्डिंग होम डेवलप द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन द वे द मोडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट वेयर दे लिव ओके स्टूडेंट अब देखो अर्लीअर टाइम्स डे टू डे चेंजेज आ रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है इंडस्ट्राइजेशन हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट चेंजेस हो रहे हैं कम्युनिकेशन हो रहे हैं तो हमारी साइट फॉर्मेशन भी चेंज हो रही है ओके द सेटलमेंट आर ए प्लेस व पीपल बिल्ड देयर होम्स ओके स्टूडेंट यू शूड टू लर्न दिस डेफिनेशन सेटलमेंट्स क्या होता है द प्लेस वेयर पीपल वेपल देयर होम्स ओके तो सेटलमेंट एरिया वेयर वेयर वी वी फाइंड डन या बिल्ड आवर होम्स ओके अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव ऑन ट्रीज एंड केव्स आपको पता है अर्ली ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते थे पेड़ों पे या फिर गुफा में दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकम नेसेसरी टू हैव द परमानेंट होम जैसे जैसे वो अपने क्रॉप्स को ग्रो करने लगे तो धीरे धीरे अपने घर का घर भी permanent the settlement grew near the river valleys as the near the valleys as the water availability land was fertile okay? with the development of the trade commerce and the manufacture human settlement become larger settlement forest and civilized अपले द रिवर वैलीज डू यू रिकॉल योर नेम ओ सिविलाइजेशन हैज द अलॉन्ग द बैंक रिवर इज इन दस ट्रीज एंड द नील एंड हवंगे ओके स्टूडेंट अब अर्ली ह्यूमन बींग के बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कैसे अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अपने घर को वहाँ पर अपने केव में जो भी घर बनाया था जो भी घास फूस का यूज करके तो परमानेंट हाउस बनाया था क्यों क्योंकि अवेबिलिटी ऑफ वाटर अवेलेबल था प्रॉपर क्लाइमेट अवेलेबल था और लैंड भी ठीक है तो उनका हाउस क्या हो गया था सेटलमेंट हो गया था प्रॉपर परमानेंट हाउस की अवेलेबिलिटी हो गई थी ओके सेटलमेंट कैन बी डिवाइड इनटू टेम्परेरी एंड द परमानेंट द टाइप ऑफ सेटलमेंट हाउसेस आर परमानेंट एंड टम्परेरी सेटलमेंट विच आर द ऑक्यूपाइड अ शॉर्ट टाइम इस कॉल द टेम्परेरी जो छोटे समय के लिए बनाया हुआ घर या रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए तो उसे क्या बोलेंगे बच्चे टेम्परेरी हाउस द पीपल लिविंग इन द डीप फॉरेस्ट होट कॉल डिजर्ट्स माउंटेन ऑफ एंड वेल सच एस टेम्परेरी बिकॉज दे बिकॉज द ड्यू टू द क्लाइमेट कंडीशन दे नाट सर्वाइव एट द टाइम मैनीस ओके कई बार क्या होता है हॉट अब सीजनल चेंज होता है तो हॉट रीज़न में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और मैनी रीजनस होते हैं जो तो अपने घास वो अपने जितने भी पैट्स होते हैं उनको मूव करने के लिए उनके आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे द पीपल इन एंड फॉरेस्ट एंड हॉट सच री सेटलमेंट दे प्रैक्टिस हंटिंग उनका मेन वर्क क्या होता है हंटिंग करना गैदरिंग करना शिफ्टिंग करना कल्टिवेशन एंड ट्रांस ह्यूमेंस हाउ एवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टू आर द परमानेंट बट नाउ द डेज़ वी आल्सो फाइंड वेर द पर्मानेंट हाउसेज ओके इन द दी सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम टू लिव अब स्टूडेंट देखो परमानेंट हाउस कौन बनाएगा जिसको परमानेंटली वहाँ पे सारी एवेबलिटी अवेलेबल है समथिंग क्या होता है टेम्प्रेरी हाउस कहाँ अवेलेबल होता है जहाँ पे लोग अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने कैटल्स को गेजरिंग करने के लिए या फिर इम्पॉर्टेंट टास्क करने के लिए तो वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लाइफ सर्वाइव करते हैं तो अपनी टेम्प्रेरी सेटलमेंट भी वहाँ सेट करते हैं ओके अब देखो वट ड्यू मीन वादा ट्रांस हुमेंस क्या होता है आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है इट इज़ अ सीजनल मोमेंट ऑफ पीपल पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन द सर्च ऑफ न्यू पॉस्चर्स ऑफ अकॉर्डिंग द चेंज इन सीजन ओके अब देखो इस पिक में देखो बच्चे कैसे शिप्स मूव कर रही है ठीक है अब ऐसे कुछ गेजिंग पीपल्स होते हैं जो अपने पेट्स को एक जगह से दूसरी जगह से मूव करते हैं उनके फूड के लिए जिसमें उनके सेटलमेंट भी टम्प्रेरी होते हैं और इस टाइप के जो मूमेंट को हम बोलते हैं ट्रांस वूमेंस ओके आपको लर्न होना चाहिए अब एक जस्ट लाइक ए स्टोरी पढ़ेंगे इट वॉज़ अ मैरिज बर्थडे मैरी का बर्थडे है उसने अपनी फ्रेंड को इन्वाइट करा है गुरप्रीत को गुरप्रीत बहुत रन करके आती है हाफती हुई आती है तो गुरप्रीत बताती है कि वो बहुत बड़े ट्रैफिक में फंस गई है ओके फिर उस गुरपीत की मम्मा बोलती है क्यों कैसे कैसे तुम फंस गई हो बता वो बताते कि आंटी जी बहुत रस्ते में रश था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी तो गुरप्रीत के पापा कहते हैं ऐसा ही होता है शहर में शहर में बहुत ज़्यादा रश होता है ट्रैफिक्स होते हैं क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है लोग सर्वाइव कर रहे हैं विलेज टू लोग क्या मूव कर रहे हैं विलेज टू टाउन्स फ़ॉर द नीड ऑफ़ बेस्ट स्कूल्स एजुकेशन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल एज हॉस्पिटल्स मैनी मोर थिंग्स ओके स्टूडेंट आपने देखा होगा काफ़ी लोग गांव से शहरों की तरफ क्यों जाते हैं कि उनको उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके और क्या हो अच्छे से हॉस्पिटल हो इसी और जॉब के सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जॉब फाइंड करना इसी रीजन से लोग क्या कर रहे हैं अपने हाउस को सेटलमेंट कहाँ पर कहाँ पे कर रहे हैं शहरों में ना कि गाँव में तो इस स्टोरी को आप रीड करोगे इसी में यही डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसके बाद अदर पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द अब कन्जर्वे फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशंस वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पीचर ऑफ़ सेटलमेंट ओके अब देखो अभी ये बर्थडे पे मैरिंड बर्थडे पर जो कन्वर्सेशन हुआ इसी के ऊपर दो बातें निकल के आती है लेट सी वट इज़ दिट the ruler and the urban what do you mean by the ruler ruler represent the villages area urban represent the towns area okay द विलेज आर रूरल सेटलमेंट वे पीपल इंगेज इन द एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर फिशिंग एंड द क्राफ्ट वर्कर एंड ट्रेडिंग ओके आप देखो गाँव में मेनली क्या करते हैं एग्रीकल्चर करते हैं फिशिंग करते हैं या फिर क्या करते हैं मैनी हैंड वर्क ओके स्टूडेंट आफ्टर दैट रूरल एरिया में सेटलमेंट okay, के लिए क्या करते हैं दे मेनली फॉर द जॉब सीकरस वो मेनली जॉब पर ही डिपेंड होते हैं द कंपैक्ट ऑफ सेटलमेंट इज ए कॉस्टली बिल्ड एरिया ऑफ ट्रिलिंग्स वे ऑफ फ्लैट्स इज अवेलेबल In a scattering settlement, drawing in the pace of the extensive area. This type of settlement most find in the hilly tract, these forest reasons, extremely climated, the ruler areas, people build houses, silt their environment in reason. वेरी हैवी रेनफॉल ओके स्टूडेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो लोग क्या कहते हैं वहाँ में बनाते सिल्ट हाउस देखो पिक्चर में देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है हाउस इज सिल्स सिल्स मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है बैम्बोस के ट्रीज़ को यूज़ करके ताकि वहाँ पे पानी एंटर ना कर सके हाउस के अंदर आफ्टर दैट वो ईजिली वहाँ पर सर्वाइव कर सके ऐसे ही बेटा जहाँ पे होटी हॉट रीजन्स होते हैं जस्ट लाइक राजस्थान तो वहाँ पे लोग मोटी वॉल बनाते हैं ताकि वहाँ पे हीट एंटर ना कर सके ओके स्टूडेंट प्लेस वेयर द वैदर अक्यूमुलेट रेनी सीजन द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रेज प्लेटफॉर्म द कॉल बी स्लेट्स ओके बिचा थिक मर्ट वॉल हाउसेज विद द अटैच द रूवस वेरी कॉमन इन द एरियाज हॉट क्लाइमेट लोकल मटीरियल्स लाइक स्टोन मर्ड क्ले स्टो इट इज द यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ओके स्टूडेंट आप देखो आसपास के जितनी भी अवेलिटी है उसी के अकॉर्डिंग क्या सेट करते हैं अपना सेटलमेंट ऑफ हाउस द टाउन्स आर स्माल इन द सिटीज द लार्ज अर्बन सेटलमेंट इन द अर्बन एरिया पीपल एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेडिंग सर्विस नेम ऑफ सम विलेजेस एंड टाउन्स आर सिटीजन और स्टेट ओके स्टूडेंट आज हमने किसके बारे में पढ़ा विलेजेस सेटलमेंट के बारे में और अर्बन के बारे में तो आपका होमवर्क क्या है मैं अभी आप आपको बताती हूँ अभी इसको पहले रिकॉल कर लेते हैं हमने किसके बारे में पढ़ा है हमने साइट के बारे में पढ़ा है वो मिन द साइट एंड टाइप ऑफ साइट परमानेंट एंड टम्परेरी आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द अर्बन एरिया एंड रूलर एरिया वेयर वी फाइंड द स्लिट हाउस ओके आपको देखना है स्लिट हाउस कहाँ बनाए जाते हैं थिक मड वॉल कहाँ बनाई जाती है इसी के बारे में हमें ओके okay, स्टूडेंट फिर आपके क्वेश्चंस हैं आपको लिखना है डू यू मीन बाय द साइट साइट वर्ड को डिफाइन करना है आफ्टर दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ साइट्स थर्ड क्वेश्चन इज वेयर वी फाइंड द स्लीट हाउस ओके एंड थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन इज वेयर वी फाइंड द थिंक वट वर्ल्ड हाउसेस ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे बच्चे जल्द से जल्द गूगल मीट क्लासेज ज्वाइन हुई है मैं गूगल मीट की क्लासेस भी लूँगी और मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ जो बच्चे क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं ताकि उनकी स्टडी सफ़र ना करें तो अब बच्चों को चैप्टर रीड करना है वीडियो को देखना है और आंसर को सोल्व करना है ओके स्टूडेंट टेक केयर